हेलो गाइस, वेलकम टू मदन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13 सी का क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इससे पहले वीडियो जो अपलोड किए गए हैं वो सारे आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले आप उन वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या गिवन वो देखिए। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी दैट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए -4.1 एंड बी 17.10 इन रेशियो 1:2 के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट के अंदर पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का मैं यूज यहां पे करूंगा। ठीक है, तो देखो ये पी इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अंदर। तो ये तो एम की वैल्यू, ये एन की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एम वन इंटू एक्स टू 17 प्लस एन टू इंटू एक्स वन -4 अपॉन में 1+2 कॉमा दूसरा एम की वैल्यू 1 वाई टू की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 2 इंटू वाई वन की वैल्यू 1 अपॉन में 1+2 ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 17-8 अपॉन में 3 कॉमा ये कितना हो जाएगा आपका 12 अपॉन में 3। देखो 17-8 कितना आपका 9 9 अपॉन 3 कॉमा 12 अपॉन में 3 3 से डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यू को तो यहां पे 3 और ये वाली वैल्यू 4। तो आपका जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई 3.4 यहां से आ जाएगा। ठीक है ना, ये 1 × 10 और 2 × 1। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट आपका वो कितना आ गया 3.4 आ गया। उसके बाद में आपको जो सेकंड फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ओपी, ओपी डिस्टेंस निकालनी है और वेयर और इज ओरिजिन पॉइंट। जब यहां से मैं एक लाइन ले लेता हूं ये हो ठीक है, इस ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0.0। तो सेकंड के अंदर आपको ओपी डिस्टेंस निकालनी है तो लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस ओपी ओपी इक्वल टू फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। देखो 3-0 का होल स्क्वायर 4-0 का होल स्क्वायर 3-0 यानी 3 3 का स्क्वायर कितना 9 4-0 कितना 4 4 का स्क्वायर कितना 16 दोनों को एड करोगे तो वैल्यू कितनी 25। तो यहां से 25 का रूट कितना 5 डिस्टेंस है तो यूनिट लगा देते हैं, ये आपकी ओपी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, थर्ड के अंदर देखिए, थर्ड में फाइंड आउट क्या करना है कि इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट एबी। ठीक है, अब जो लाइन सेगमेंट है आपकी एबी, ये ए पॉइंट है -4.1, ये आपका बी पॉइंट है 17.10 और इसको एक पॉइंट है, ये यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये वाई एक्सिस पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे वाई एक्सिस के, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू ये। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, के रेशियो 1। तो यही तो फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो क्यू इक्वल टू क्यू कोऑर्डिनेट कितने 0.y, ठीक है, m की वैल्यू x इंटू एक्स टू की वैल्यू 17 प्लस n की वैल्यू 1 एक्स वन की वैल्यू -4 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा k इंटू वाई वन की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 1 एक्स वाई वन की वैल्यू 1 अपॉन में k प्लस 1 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से
ऑफ 0, y इक्वल टू 17 के माइनस 4 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा 10 के प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, जब इसके को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2 के अंदर ए और बी को, ठीक है, तब पी के कोऑर्डिनेट आ जाए। तो पी के कोऑर्डिनेट मैंने यहां पे लिख दिया, फिर यहां से पी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो ओ तक, और ओ क्या आपका ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब इस पूरी लाइन को दोबारा लेके एक क्यू पॉइंट ले लिया, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 के अंदर, उस के रेशियो 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और जो क्यू पॉइंट है वो कहां पे, वाई एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू वाई हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अपन निकालते हैं। देखो यहां से इसको आप नोट डाउन कर लेना, अब कंपेयर करेंगे तो ये जीरो तो इसके इक्वल आ जाएगा, यानी जीरो इक्वल टू तो कितना, 17 के माइनस 4 अपॉन में के प्लस 1, और y इक्वल टू 10 के प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1 दिया जाएगा। आपको तो k रेशियो 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यदि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना तब तो अपन यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, वोट रेशियो ही पूछा है, ये तो इधर मल्टीप्लाई, तो 17 के इक्वल माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0, यहां से 17 के इक्वल टू कितना 4, तो k की वैल्यू 4 अपॉन में 17, तो k रेशियो 1 की वैल्यू 4:17, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 12। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। 12 क्वेश्चन 3, 4 था, ठीक है, 5 हो गया, 4 ये, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके, -4, -5, 4 और -1, -2 और ये आपका 5, 2 आर द वर्टिस ऑफ द राइट एंगल। ये तो सबसे पहले प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो मैं ये प्रूव कर देता हूं। देखो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, ये हाइपोटेनियस, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट अभी तक एग्जैक्ट नहीं है आपके, तो पॉइंट को मैं चेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालू मैं एबी की, तो एबी इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला अपन जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो एबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट x1 यानी -5 - x2 प्लस 1 आ जाएगा का होल स्क्वायर, फिर 4 ये माइनस और -2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 36। तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है आपकी 252, एबी की वैल्यू आ गई 52 यूनिट। फिर मैं फाइंड आउट करूं बीसी, तो बीसी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देता हूं। देखो 1 - -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो कितनी -6, -6 का स्क्वायर कितना 36, ये वैल्यू कितनी -4, -4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट 52 यूनिट। उसके बाद मैं आपको यह बताना है एसी और निकाल लेते हैं, एसी इक्वल टू रूट -4 -5 -5
और ये माइनस पहले से, फिर एक्स टू की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसी को मैं लिख सकता हूं कितना माइनस टेन का स्क्वायर, और ये कितना 2 का होल स्क्वायर, कितना लिखें माइनस टेन के स्क्वायर कितना 100 और इसकी वैल्यू 4, 2 का 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 104 यूनिट, ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। तो देखो आपका ये जो रिलेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी के अंदर अपन जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी देखो ए सी की वैल्यू निकालूंगा तो 104, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू रूट 52 है, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52, बी सी की वैल्यू कितनी है रूट 52, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी 52, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई इक्वल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों साइड का स्क्वायर इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन आपकी थर्ड। इससे तो अपन ये प्रूव कर दिया क्या कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फिर कौन सा है, आइसोसेलेस है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकता हूं, एबी इक्वल टू बीसी, तो ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर बात, ये आ गया। अब आगे आपको क्या गिवन हो देखिए, आगे आपको गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं, कब, जब ए बी सी क्या आपका स्क्वायर है, ए बी सी क्या आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं एक्स कोमा वाई है, तो इनके जो डायगोनल है वो आपके इंटरसेक्ट करेंगे यहां पे, किस पॉइंट पे, पी के, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, तो ये मिड पॉइंट हो गया, देखो ये डायगोनल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इन दोनों का जो पी पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा, तो मैं लिख सकता हूं मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अब इस BD की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं, तो देखो BD के अंदर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो X1 प्लस X2 यानी क्या लिखें X1 प्लस X2 अपॉन में 2, Y1 प्लस Y2 यानी -2 प्लस Y अपॉन में 2, ये किसके इक्वल होगा, इस AC के इक्वल होगा, तो इसका मिड पॉइंट निकालूं तो X1 प्लस X2 यानी -5 प्लस 5 अपॉन में 2 कोमा 4 प्लस 2 अपॉन में 2 ये आ जाएगा। यहां से मैं कंपेयर करवा दूं, चलो एक बार लिख देता हूं मैं -1 प्लस X अपॉन में 2 कोमा -2 प्लस वाई अपॉन में 2, तो ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 0, ठीक है, और ये वैल्यू 6 अपॉन 2 कितना 3, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। फिर मैं देखो दोनों तरफ में कंपेयर कराऊंगा, ये वाली वैल्यू तो इस 0 के इक्वल और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, तो क्या लिख सकता हूं मैं -1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू तो 0, फिर दूसरी वैल्यू से क्या लिख सकता हूं -2 प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू में कितना 3, तो ये वाली वैल्यू तो इधर मल्टीप्लाई होगी तो -1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, यहां से ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस वाई इक्वल टू कितना 6, तो वाई की वैल्यू कितनी 6 प्लस 2 यानी वाई इक्वल टू कितना 8 हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे,
डी इक्वल टू 1.8। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं, वन कॉमा एट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन कीजिए। मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन 14 के अंदर क्या गिवन है वो देखिए। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एम क्या आपका मिड पॉइंट है। ए -3.7 और बी 9.-1। इस लाइन सेगमेंट का एम क्या आपका मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं ये, ठीक है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम निकालना है। तो सबसे पहले तो एम के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ए बी का। तो इसके कोऑर्डिनेट में फाइंड करूं तो एम एक्स कोमा वाई इक्वल टू, देखो, माइनस -3+9 अपॉन में 2, y1+y2 तो 7-1 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू कितनी, 9-3 कितना, 6 अपॉन में 2, ये 6 अपॉन में 2, तो वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 3.3। ये आपके m x2, y2 की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.3। अब आगे देखिए, आगे आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर कि फर्दर इफ r 2.2 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द m एंड ओरिजिन, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो आर एक पॉइंट है, कब है वो पॉइंट, जब एक लाइन सेगमेंट एम एंड ओरिजिन, ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट में आगे बढ़ाऊं तो यहां पे एक ओरिजिन पॉइंट है 0.0। तो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है एक आर पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2.2, ठीक है। और किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, पी रेशियो क्यू के अंदर, पी रेशियो क्यू के अंदर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ पी रेशियो क्यू। तो देखो इस लाइन सेगमेंट को मैं यहां पे ड्रॉ करके आपको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये तो एम आपका, एम के कोऑर्डिनेट कितने 3.3 और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0.0 और ये पॉइंट आपका आर है 2.2। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, पी रेशियो क्यू। तो देखो ये तो एम की वैल्यू होगी और ये आपकी एन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले r 2.2 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है p, x2 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है q, x1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में p प्लस q आ जाएगा कॉमा m की वैल्यू p, y2 की वैल्यू 0, n की वैल्यू q, y1 की वैल्यू 3 अपॉन में p प्लस क्यों या जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी को लिख सकता हूं ना मैं, जैसे 2.2 इक्वल टू इसके साथ ये मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो यहां से वैल्यू कितनी 3q अपॉन में p प्लस क्यों आ जाएगा इक्वल टू, यहां से वैल्यू कॉमा है 3q अपॉन में p प्लस क्यों आ जाएगा। कंपेयर कराओगे बोथ साइड के अंदर तो इस 2 की वैल्यू किसके इक्वल, 3q और ये 3q, सही था ना, सही। तो 3q अपॉन में p प्लस q, ठीक है, इसी से कर लेते हैं, एक से हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो 2p प्लस 2q इक्वल टू 3q, तो 2p इक्वल टू 3q माइनस 2q, तो 2p इक्वल टू 3q माइनस 2q कितना 1q, यहां से p ये क्यों इधर आएगा अपॉन में और ये 1/2। तो आपको पता चल गया होगा कि p रेशियो क्यों की वैल्यू कितनी 1:2
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यही है आपका। फिर नेक्स्ट अपन 15 की बात करें तो 15 देखिए, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देख लेना इसको आप। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 15 के अंदर क्या गिवन है वो देखिए। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक लाइन ज्वाइनिंग करवाना है, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है -4.2 और ये पॉइंट आपका बी है 3.6। ठीक है, इज डिवाइडेड द पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x.3। ठीक है, फाइंड द x, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे के अंदर फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एपी। एपी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, जब रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूं ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 के अंदर। तो ये तो m की वैल्यू, ये m की वैल्यू, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो पी ऑफ, ये फर्स्ट आपका पी ऑफ एक्स कोमा थ्री इक्वल टू एम की वैल्यू के इंटू एक्स टू की वैल्यू 3 प्लस एम की वैल्यू 1 एक्स 1 की वैल्यू -4 अपॉन में के प्लस 1 दिया जाएगा कोमा के इंटू वाई 1 की वैल्यू, वाई 2 की वैल्यू 6 प्लस एन की वैल्यू 1 वाई 1 की वैल्यू 2 अपॉन में के प्लस 1 दिया जाएगा। सोल्व कर देते हैं, तो पी ऑफ एक्स कोमा 3 इक्वल टू ये कितना 3k और ये कितना आपका माइनस का 4 अपॉन में के प्लस 1 कोमा 6k प्लस 2 अपॉन में के प्लस 1 दिया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू इस x के इक्वल, तो x इक्वल टू 3k माइनस 4 अपॉन में के प्लस 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी 3 इक्वल टू 6k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 आ जाएगा। ये तो इधर मल्टीप्लाई, इसको तो रहने दो एक बार, इससे मैं सोल्व करता हूं। तो ये तो इधर मल्टीप्लाई, तो कितना 3k प्लस 3 आ जाएगा, ये 6k प्लस 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये 6k इधर आएगा तो 3k माइनस 6k इक्वल टू 2 माइनस 3। 3k माइनस 6k कितना, माइनस का 3k इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी 1 अपॉन में 3, ये k की वैल्यू आ गई। तो रेशियो तो फाइंड हो गया, इस रेशियो की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई 3 इंटू k की वैल्यू 1/3 माइनस 4 अपॉन में 1/3 प्लस 1, ये 3 इससे कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 1 माइनस 4 कितना माइनस 3 अपॉन में एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 अपॉन में 3, ये 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना माइनस का 9 और ये 1 प्लस 3 कितना 4, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में माइनस 9 अपॉन में 4। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट, अब मुझे एपी निकालना है। तो ये तो आ गया आपका पॉइंट आ जाएगा माइनस 9 अपॉन में 4.3। अब एपी डिस्टेंस निकालनी है, तो लेंथ ऑफ एपी फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या फॉर्मूला है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो एक्स वन कितना माइनस 4 माइनस एक्स टू कितना माइनस, तो माइनस माइनस 9 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से कितना आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो ये तो माइनस 16 प्लस 9 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये कितना माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 16 प्लस 9 कितना, माइनस 16 प्लस 9 हो गया आपका माइनस 7, 7 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना 1। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्लस, 7 का स्क्वायर कितना 49, 4 का कितना 16 प्लस में 1,
एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना 16, तो ऊपर तो 49, नीचे यहाँ पे 16, यानी यहाँ पे कितना 16, 49 प्लस 16 कितना 65 अपॉन में नीचे कितना 16, 65 का रूट कर दो तो रूट 65 और 16 का रूट करेंगे तो वैल्यू 4, ये वैल्यू आ गई आपकी एपी, ठीक है, डिस्टेंस थी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यूनिट के अंदर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 15। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 4 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो एक लाइन सेगमेंट आपकी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए P, 16 है ना ये P, ये तो पॉइंट आपका 2, -2 और ये B पॉइंट दे दिया आपको 3B, ये Q पॉइंट आपका Q 3, 7, इस पूरी लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या आपकी 2x प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं ले लेता हूं A पे, क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहां पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, यानी x कोमा y की जो वैल्यू आएगी वो इसमें मैं पुट करूंगा, ठीक है। फिर आपको बोला हुआ है कि फाइंड आउट, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना, रेशियो फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूं, ये के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो देखो मैं एक लाइन लिखता हूं यहां पे, ठीक है ना, क्या लिखूं, ए इज डिवाइडेड ए लाइन सेगमेंट K रेशियो 1, इन K रेशियो 1 के अंदर, तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके P ऑफ x कोमा y इक्वल टू कितना, m की वैल्यू x, x2 की वैल्यू, m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 3, m की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन में k प्लस 1 कोमा। अब देखो दूसरा, k इंटू y2 की वैल्यू 7 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -2 अपॉन में k प्लस 1 ये आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करें तो 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1, 7k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1, ये वैल्यू आ गई आपकी x कोमा y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू तो कितनी 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 और y की वैल्यू कितनी 7k माइनस 2 k प्लस 1, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका एक यहां पे इस लाइन पे है, तो मैं कह सकता हूं कि पॉइंट ए लाई ऑन लाइन x प्लस y इक्वल टू 4, तो इस ए के कोऑर्डिनेट इसमें एग्जिस्ट करेंगे और एग्जिस्ट करेंगे तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, x की वैल्यू तो कितनी 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू कितनी 7k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को ही सोल्व करूंगा, यहां से अपने पास में k की वैल्यू आ जाएगी, तो ध्यान से देखो, पहले तो इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 6k प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 4 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 4 याद आएगा। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, एलसीएम कितना आ रहा है k प्लस 1, तो यहां तो कितना 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल टू 4, k प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको सोल्व करते हैं तो 6k प्लस 7 कितना 13k और 4 माइनस 2 कितना -2 और ये k प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4k प्लस 1 ये आ जाएगा,
ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 13 के माइनस 2, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 के प्लस 4 ये वैल्यू आ जाएगी। तो 13 के 4 के इधर आएगा तो माइनस 4 के 4 ये 2 इधर आएगा तो प्लस का 2। 13 माइनस 4 कितना 9 के इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू कितनी 6 अपॉन में 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 3। तो जो रेशियो आपको मिला है k रेशियो 1 वो कितना 2 रेशियो 3 यहां से मिल जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन 16। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना आप ध्यान से। आंसर मैं चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो देखो यहाँ पे ये 3 और ये 2 और फिर ये 7, ये माइनस आ जाएगा और ये x की वैल्यू ये यहाँ पे मैंने पुट कर दी और ये सेम आ जाएगा, ऐसे में तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये 4 माइनस 2 आ जाएगा और ये पहले से 4 है, ये प्लस 2 आएगा, ठीक है ना, ये प्लस 2, ये प्लस 2 और ये आपका माइनस, तो ये माइनस 2 आएगा और ये माइनस 2 आएगा यहाँ, तो ये वैल्यू कितनी 2, तो ये वैल्यू भी कितनी 2 और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी वापस 9 और ये 9, ठीक है। ये आपका आंसर, थोड़ा बहुत करेक्शन देख लेना आप छोटी मोटी, ठीक है, इसीलिए मैं आंसर चेक करके आपको यहीं पे करेक्शन कर रहा हूँ। आपको वापस कमेंट्स करने की ऐसी नौबत नहीं है, दिक्कत नहीं है वापस आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन में इफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, एब्सिसा दे दिया पी पॉइंट का, ये लिखिए पी पॉइंट का एब्सिसा कितना है 2, ठीक है, एब्सिसा 2 दे दिया, तो दूसरा वाई वाला कोऑर्डिनेट हो गया आपका वाई। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, ये लीजिए ये पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करवाने के बाद में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया P 2, y, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, सबसे पहले तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, फिर कोऑर्डिनेट बताने इस P के, तो इसको मैं K रेशियो 1 मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो P के कोऑर्डिनेट निकाले तो 2, y इक्वल टू, फॉर्मूला वही है पूरा, m की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू 6, m की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -4 अपॉन में k प्लस 1 कोमा k इंटू y2 की वैल्यू 3 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू 4 अपॉन में k प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो p ऑफ 2, y इक्वल टू 6k माइनस 4 अपॉन में k प्लस 1 कोमा 3k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1, कंपेयर करवा दीजिए तो 2 इक्वल टू 6k माइनस 4 अपॉन में k प्लस 1 कोमा y की वैल्यू कितनी 3k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1, यहां से तो रेशियो आ जाएगा और उस रेशियो की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इस वैल्यू को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ में, तो 2 पहले k के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 6k माइनस 4, तो 2k ये 6k इधर आएगा तो माइनस 6k और ये माइनस 4, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो ये कितनी माइनस 4k इक्वल टू ये कितना माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी 6 अपॉन में 4 कैंसिल आउट करोगे तो कितना 3 अपॉन में 2, तो यहां से k रेशियो 1, ये तो k की वैल्यू आ गई, रेशियो के अंदर लिखें तो 3 रेशियो
टू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस k की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो y की वैल्यू देखो कितनी आ रही, 3 × 3/2 प्लस में 4 अपॉन में 3/2 प्लस में 1 याद है। इसको सोल्व करें तो 6 9 प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 2, ये कितना 3 + 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 17 / 4। ये y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो देखो जो पॉइंट था आपका P उसके कोऑर्डिनेट 2, 17/4 ये आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। थ्री कोमा टू और फिर है पॉइंट आपका 2, 3 गड़बड़ हो गई वापिस 9 + 8 2, 3 आ रहा भाई इसका। ये तो माइनस सी तो सी आ गया 3, 2 और इसमें भी गड़बड़ होगी क्या, देखो ये 3, 3 है दोनों यहाँ पे गड़बड़ होगी। ठीक है, ये 3 ये 3 ये 3 ये भी 3 और ये 3 होगा तो ये 6। ठीक है, ये 2 और ये आ जाएगा आपका 15/5 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये करेक्शन देख लेना आप। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 के अंदर आपको गिवन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी कोमा, दो पॉइंट दे दिए आपको, ए को मैं ले लेता हूं ए, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके 2, 1 और बी पॉइंट दे दिया आपको 5, -8। ठीक है, ट्राइसेक्ट एट पॉइंट, ट्राइसेक्ट कर रहे तो एक ये हो गया और एक, ठीक है, तीनों पार्ट आपस में इक्वल, तो ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। इफ पॉइंट पी लाई ऑन 2x, ये जो पॉइंट पी है वो किस पे लाई कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट एक लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन क्या है 2x - y + k = 0 ये आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू, फिर फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ q, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये 1 ये भी 1 ये भी 1 किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये पॉइंट निकालना मुझे, तो यहां पे जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इस पॉइंट को मान लेता हूं x, y। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूं तो p x, y इक्वल टू मिड पॉइंट का काम करेगा, मिड पॉइंट नहीं देखिए इसको ऐसे कर लो ना, ऐसे बना देता हूं थोड़ा सा, ये आपका a 2, 1 और ये आपका b 5, -1 यहां पे एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट आपका P x, y। अब देखो ये वैल्यू तो 1 होगी और ये वैल्यू 1 + 1 2 हो गया और लाइन हो गई 2x - y + k = 0। यहां से ये पॉइंट इस लाइन में मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर लिया था आपने पहले भी, तो देखिए सबसे पहले मैं P पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ, x, y = m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5 + n की वैल्यू 2,
एक्स वन की वैल्यू टू अपॉन में वन प्लस टू कोमा एम की वैल्यू वन यानी और फिर वाई वन की वैल्यू माइनस वाई टू की वैल्यू माइनस फाइव प्लस टू इंटू वाई वन वन अपॉन में वन प्लस टू लिया जाएगा। इसको आगे सोल्व करूं तो ये तो फाइव प्लस फोर अपॉन में थ्री कोमा माइनस एट प्लस टू अपॉन में थ्री। इसको सोल्व करें तो नाइन अपॉन थ्री कितना थ्री, ये कितना माइनस सिक्स, माइनस सिक्स अपॉन थ्री कितना माइनस थर्टी। तो ये पॉइंट आ गया आपका एक्स कोमा वाई, तो एक्स की वैल्यू तो कितनी थ्री, वाई की वैल्यू कितनी माइनस टू। फिर मैं लिख सकता हूं कि पी पॉइंट पी लाई ऑन लाइन या इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों पॉइंट इसमें एडजस्ट करेंगे तो देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस माइनस वाई की वैल्यू कितनी है माइनस टू और प्लस में के इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू तो कितनी 6 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस में के इक्वल टू जीरो। तो यहां से टेन प्लस के इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू कितनी हो गई आपकी माइनस टेन, ये के की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये कोऑर्डिनेट अपने पास में आ गया कितना, ये एक्स कोमा वाई था ना, ये आ गया आपका थ्री कोमा माइनस का टू। अब सेकेंड आपको क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, तो क्यू देखो ये तो पॉइंट आ गया आपका पी कितना है थ्री कोमा माइनस टू और ये पॉइंट आपका क्यू है जिसको मान लेता हूं एक्स डेस कोमा वाई डेस और ये पॉइंट आपका बी है फाइव कोमा माइनस का एट। किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, वन रेशियो वन के अंदर। तो क्यू क्या हो गया आपका, क्यू इज मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ये मिड पॉइंट ऑफ पी पी बी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्यू ऑफ एक्स डेस कॉमा वाई डेस क्या होंगे, एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू तो थ्री प्लस फाइव अपॉन में टू कॉमा माइनस टू माइनस एट अपॉन में टू तो एट अपॉन में टू कॉमा माइनस टेन अपॉन में टू तो कितने वैल्यू आ जाएगी फोर कॉमा माइनस फाइव। ये क्योंकि पॉइंट आपके यहां से आ जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसके भी आंसर चेक कर लेता हूं। के की वैल्यू देखो थोड़ी सी और मिस्टेक हो गई, ये आपका 2 है तो ये 8 हो गया, ये आपका ठीक है। अब देखते हैं आंसर, के की वैल्यू माइनस 8 और फिर आपका है 4 कॉमा माइनस 5। ये था आपका क्वेश्चन 18। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 5 कॉमा माइनस 3 अंडर द रिफ्लेक्ट इन द पॉइंट माइनस 1 कॉमा 3। यानी अगले ने ये बोला है कि इस एक की इमेज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन के अंदर ये बताया था कि कोई भी ग्राफ के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां से ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो गया यानी एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये जो पॉइंट है ये किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो गई तो ये मिड पॉइंट हो गया, क्लियर बात। तो एक चीज तो मैं लिख सकता हूं कि ए डेस एक्स कॉमा वाई इज इमेज ऑफ ए, क्लियर, एट रिफ्लेक्ट, एट रिफ्लेक्ट द पॉइंट इससे पी से और पी के कोऑर्डिनेट कितने माइनस वन कॉमा थ्री, ये था, ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाऊं तो पी ऑफ माइनस वन कॉमा थ्री इक्वल टू फाइव प्लस एक्स अपॉन में टू माइनस थ्री प्लस वाई अपॉन में टू, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये तो वैल्यू आएगी आपकी, इसकी मैं वैल्यू में फाइंड आउट करता हूं तो ये वाली वैल्यू माइनस वन तो किसके इक्वल, फाइव प्लस एक्स अपॉन में टू और थ्री किसके इक्वल माइनस थ्री
प्लस वाई अपॉन में टू, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस टू इक्वल टू फाइव प्लस एक्स, प्लस फाइव इधर आएगा तो टू माइनस फाइव इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का सेवन, यहां से ये तो सिक्स हो गया और ये माइनस थ्री प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी सिक्स प्लस थ्री यानी नाइन, ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, यानी जो रिफ्लेक्ट पॉइंट था वो आ गया माइनस सेवन कॉमा नाइन। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लेना, आंसर चेक कर ही लेते हैं साथ में, माइनस सेवन कॉमा ये आ जाए। ठीक है, देखो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन 20 के अंदर फिगर के बाद एम इज द मिड पॉइंट, एम क्या आपका मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड आपकी क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, आगे देखिए द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, एम इज ऑल्सो डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ओपिंग द रेशियो 1:3 के अंदर ये डिवाइड कर रहे हैं, और फिर आपको लेंथ निकालनी है बीपी, यानी ये वाली लेंथ भी आपको निकालनी है। ये लेंथ कब आएगी, जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास में आ जाएंगे, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिए ये आपका ओरिजिन है तो 0.0, अब करते हैं देखो इसको। देखिए सबसे पहले आपको एम मिड पॉइंट दिया हुआ है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट है, तो एम के जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं एक्स डेस कॉमा वाई डेस मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लूँ एक्स डेस कॉमा वाई डेस, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 0+6, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, फिर वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.2, तो ये एम की वैल्यू आ गई एक्स वन एक्स डेस वाई डेस की वैल्यू। ठीक है, ये तो पॉइंट आ गया आपको, तो आपको सबसे पहला तो ये निकालना था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। ठीक है, अब आगे देखो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो पी लाइन आपकी लाइन बनाता हूँ सबसे पहले, देखो ये आपका ओ 0.0, ये आपका पी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया, यहाँ पे आपका एम है जिसके कोऑर्डिनेट कितने 3.2, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 1:3 के अंदर, सेपरेट बना दिया मैंने, अब समझ गया होंगे आप। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे एम, ये एम की वैल्यू है ये एम की वैल्यू है, तो एम 1 × एक्स टू कितना एक्स प्लस 3 × 0 अपॉन में 1+3 कॉमा 1 × y प्लस 3 × 0 अपॉन में 1+3, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं तो m इंटू 3.2 इक्वल टू देखो एक्स प्लस 0, तो x अपॉन में 4 हो गया और ये y अपॉन में 4 ये आ जाएगा। क्रॉस क्रॉस नहीं कंपेयर कराएंगे तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल x अपॉन में 4, और यहां से 2 किसके इक्वल y अपॉन में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8। ठीक है, पॉइंट में पुट कर दो यानी P के अंदर पुट करेंगे तो 12.8 ये आ जाएगा। इसके बाद में इसके थर्ड की बात करूँ तो थर्ड के अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस के लिए ये लाइन लीजिए, ये आपका B पॉइंट है 6.0 और ये पॉइंट आपका 12.8 है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो BP जो डिस्टेंस है ये P आपका BP फॉर्मूला में जानता हूँ एक्स वन माइनस एक्स टू 6 − 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 − 8 का होल स्क्वायर, 6 − 12 यानी −6 का होल स्क्वायर प्लस −8 का होल स्क्वायर, यहां से लिख सकता हूँ −6 का होल स्क्वायर कितना 36, −8 का होल स्क्वायर कितना 64, दोनों को एड करोगे तो वैल्यू कितनी 100 का स्क्वायर रूट कितना 10, डिस्टेंस है तो यूनिट लगा देते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
आंसर चेक कर लेता हूँ। ये तो हो गया आपका, कौन सा ये 20 है ना, इसमें आगे पीछे आंसर दिए हैं अभी। 19 जो क्वेश्चन है वो 20 है, और जो 20 है वो 19 के अंदर आंसर दिया है, तो 3.2 हो गया, और ये 12.8 हो गया, और जो यूनिट वो 10 यूनिट हो गई। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20, इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरे को। क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है आपका 21, देखिए ध्यान से। 21 के अंदर आपको एबीसी एक वर्टिस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, कितनी कितनी कोऑर्डिनेट है वो देखिए, -4, 0, 2। सी के कोऑर्डिनेट दे दिए -2, -4, ठीक है, पी पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली दैट शो दैट द सेंट्रोइड, आपको ये प्रूव करना है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं सेंट्रोइड निकालू ट्राइंगल ए बी सी का, तो इसका ए बी सी का सेंट्रोइड कितना होगा, एक्स वन फॉर्मूला वही है पूरा, एक्स टू एक्स थ्री अपॉन में टू, फिर ये थ्री आएगा भाई, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में थ्री, सारी वैल्यू पुट कर दो, ये एक्स वन एक्स टू वाई थ्री यानी -4 + 0 - 2 अपॉन में थ्री, फिर वाई वन टू प्लस टू -4 अपॉन में थ्री, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई -6 / 3, 0 / 3, ये वैल्यू हो जाएगी -6/3 कितना -2 और ये कितना 0। ये इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको पी आर के हैं मिड पॉइंट दिए हुए, तो मैं लिख देता हूं पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी बी सी, ये मिड पॉइंट तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो पी ऑफ कोऑर्डिनेट कितने एक्स 1, y1, ठीक है मान लेते हैं ऐसे, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए x1, y1, इन दोनों का, तो 0 + 0 + -2 अपॉन में 2, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कोमा 2 - 4 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 और ये आपका -1, तो p ऑफ x1, y1 आ जाएगा। उसके बाद में q इज मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका AC का, तो q के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x2, y2, ये लीजिए x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तो देखो -4 - 2 - 4 - 2 अपॉन में 2 - 4 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी, यहां से -6 / 2 और ये -2 / 2, तो वैल्यू आ जाएगी -3, -1, ये पॉइंट आ जाएगा क्यों x2, y2 की वैल्यू, ठीक है। फिर मैं बात करूं r की, तो r किसका मिड पॉइंट है ab का, तो r के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं x3, y3, ये लीजिए x3, y3, ठीक है,
इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए वो देखिए, माइनस फोर प्लस जीरो अपॉन में टू, और टू प्लस टू अपॉन में, तो ये आ जाएगा माइनस फोर अपॉन टू कितना माइनस टू, फोर अपॉन टू कितना टू, ये आपके पॉइंट यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो आर ओ एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ये पॉइंट आपके तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। ये क्यू का पॉइंट आ गया आपका, और ये आपका ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो इनको मैं ज्वाइन करवा दूं, तो यहां से जो ट्राइंगल मिलेगा इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना आपको, तो सेंट्रोइड में निकाल देता हूं, ठीक है, यहीं पे निकाल देता हूं, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यहां पे मैं निकाल देता हूं, देखो सेंट्रोइड ऑफ पी क्यू आर, इसका सेंट्रोइड निकालना आपको। तो देखो कितना x1 की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है माइनस वन, x2 की वैल्यू माइनस थ्री, और x3 की वैल्यू माइनस टू अपॉन में टू, ये आ जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो गई क्या, माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन, चेक कर लेते हैं, y1 की वैल्यू माइनस वन, ये थ्री आएगा माइनस वन माइनस वन और प्लस टू अपॉन में थ्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस सिक्स अपॉन में थ्री कॉमा जीरो अपॉन में थ्री, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस टू कॉमा जीरो, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। अब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकता हूं मैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्या गिवन है, सबसे पहले ए बी सी वर्टिस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल का वर्टिस आपको दी, ये 22 आपका ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के दे दिए, सी के दे दिए, ठीक है। तो देखो थ्री कोमा वन, वाई कोमा फोर, वन कोमा एक्स, फिर इनका सेंट्रोइड दे दिया, सेंट्रोइड ऑफ जी कितना, कितने कोऑर्डिनेट दे दिए थ्री कोमा फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड ऑल्सो फाइंड, यानी आपको फर्स्ट के अंदर एक्स कॉमा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लेंथ ऑफ बी सी फाइंड आउट करनी है, और बी सी कब आ जाएगी जब एक्स और वाई की वैल्यू आने के बाद। तो देखो ये सेंड्रॉइड दे दिया, तो सेंड्रॉइड तो अपन जानते हैं ना, ये सेंड्रॉइड आपका, ये पॉइंट आपको दे दिया कितना 3.4, फॉर्मूला में जानते हैं कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसका सेंट्रोइड निकालो तो जी ऑफ 3.4 इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना 3 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 3 कॉमा वाई 1 प्लस वाई 2 वाई 3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस एक्स अपॉन में 3, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, देखो जी ऑफ 3.4 इक्वल टू कितना 4 प्लस वाई अपॉन में 3 कॉमा 5
प्लस एक्स अपॉन में थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी। तो थ्री तो किसके इक्वल, कंपेयर करवाने के बाद में फोर वाई अपॉन में थ्री के इक्वल, और फोर किसके इक्वल, फाइव प्लस एक्स अपॉन में थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये नाइन इक्वल टू फोर प्लस वाई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व इक्वल टू फाइव प्लस एक्स, फोर इधर आएगा तो नाइन माइनस फोर इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी होगी फाइव हो जाएगी। यहां से x की वैल्यू कितनी होगी ट्वेल्व माइनस फाइव, यानी x की वैल्यू होगी आपने पास में सेवन। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो ये आपका b पॉइंट है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँ फाइव कोमा फोर, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दू यानी c के अंदर वन कोमा सेवन। आपको डिस्टेंस निकालनी है बी सी, तो कितना आएगा देखो फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन का होल स्क्वायर, फोर माइनस सेवन का होल स्क्वायर, फाइव माइनस वन कितना फोर का होल स्क्वायर, माइनस थ्री का होल स्क्वायर, फोर का स्क्वायर कितना सिक्सटीन, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना नाइन, वैल्यू कितनी ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का रूट करोगे कितना फाइव यूनिट, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो चेक कर लेता हूँ आंसर भी क्या आ रहा, देखो फाइव और ये सेवन, x की वैल्यू सेवन y की वैल्यू फाइव। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सही है, क्लियर बात, आंसर अपन चेक कर लिए सारे, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है ना, बस आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, अपने दोस्तों के साथ में खूब शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के पास में खूब शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।